आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज एक्सप्रेस। अगले आदेश तक पहाड़ी मंदिर में प्रवेश बंद। कोरोना के खतरे को देखते हुए रांची पहाड़ी मंदिर विकास समिति ने भी एहतियात के तौर पर आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में प्रवेश बंद कर दिया है। रांची पहाड़ी मंदिर विकास समिति के कोषाध्यक्ष अभिषेक कुमार ने बताया, अध्यक्ष सह जिला आयुक्त महिमा पत्रे ने बताया कि रांची पहाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना हेतु आने वाले आम नागरिक को, पर्यटकों और श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि अगले आदेश तक मंदिर में प्रवेश ना किया जाए और इस अवधि में आम दिनों की तरह रांची पहाड़ी मंदिर में कार्यरत पुजारियों द्वारा पूजा अर्चना के उपरांत मंदिर का पट बंद कर दिया जाने का आदेश दिया गया है। बता दें कि पहाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए प्रतिदिन 1,000 से 2,000 लोग जुटते हैं, जिस कारण एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया है। अगले आदेश तक पहाड़ी मंदिर में पूजन पाठन का कार्य पहले की तरह चलता रहेगा, लेकिन आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में दर्शन संभव नहीं होगा। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने जो फैसला लिया है, उसी के निमित्त पहाड़ी मंदिर प्रबंधन समिति के द्वारा भी अगले आदेश तक पहाड़ी मंदिर को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। और क्या कुछ इसमें अभी मुख्य पुजारी और जो भी पुजारी, यहाँ कुल 5 पुजारी है, 5 पुजारियों के द्वारा बाबा का जो नियमित रूप से सुबह का आरती और शाम का आरती उनके देख रेख में होगा, आम भक्तों के लिए अभी बंद रखा गया है। अभी अगले आदेश तक बंद रखा गया है। बाकी इसके संक्रमण का खतरा जैसे जैसे कम होगा वैसे प्रबंधन समिति के बैठक करके इसका निर्णय लिया जाएगा। ऑनलाइन भी कुछ है क्या? ऑनलाइन सुबह का जो भी भक्त अपना बाबा का श्रृंगार देखना चाहते हैं, इनका पूजन देखना चाहते हैं, सुबह और शाम का जो आरती होता है उसका रांची पहाड़ी मंदिर वेबसाइट पे जा करके सुबह और शाम का श्रृंगार देख सकते हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन देख सकते हैं।